कार्यकर्ताओं का जो आक्रोश बाहर आया है, जिससे कांग्रेस द्वारा नारेबाजी हो रही है कि डबल इंजन की ये सरकार करती है जनमुत्री हुई है, जिससे कांग्रेस पर इसका खासा असर देखने को मिला है। कांग्रेस कमेटी के प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे का कहना है कि होली पर सरकार का जनता को ये बड़ा तोहफा है। आप भी देखें ये पूरी रिपोर्ट। महंगाई की बढ़ती हुई दरों को देखते हुए कांग्रेस कार्यालय के बाहर आप देख सकते हैं कांग्रेस कार्यालय के कार्यकर्ताओं द्वारा इतना हुजूम यहां पर इकट्ठा किया गया है। बार बार ये लोग मोदी और योगी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में चाहे गैस सिलेंडर हो, चाहे दवाइयों के इलाज के लिए हो, चाहे जो पीजीआई में जांच हो, चाहे आपका बिजली वृद्धि हो, हमारी अगर आमदनी नहीं बढ़ रही है, इस देश के गरीबों की आमदनी नहीं बढ़ रही है, मध्यम वर्गीय की आमदनी नहीं बढ़ रही है, तो इस तरह के दाम बढ़ा करके आप अपने भैया अडानी भैया के खजाने को उनके नुकसान की भरपाई का लाठी हमारे ऊपर चलाओ भाई। ये लाठी जो चला रहे हो ईमानदारी से अपने ऊपर चलाओ, अपने खर्चों में कटौती करो, उनका खजाना भरते रहो परवाह नहीं। लेकिन जो हमारे देश की गरीब और निरीह जनता है, जो मध्यम वर्ग की जनता है, कभी तुम SBI के माध्यम से हमको लूट ले रहे हो, कभी LIC के माध्यम से लूट ले रहे हो, आज तुम चीज़ों को दाम बढ़ा के लूट ले रहे हो। और दाम दोस्त मान लो ये जो गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं आज होली के पहले, इसका इम्पैक्ट बहुत ही भयानक होगा। आप चीजों को खरीद नहीं पाओगे, लोग होली नहीं मना पाएंगे, इसलिए हम लोग कांग्रेस पार्टी विरोध में। जब तक इनको प्रदेशों से और देश से उखाड़ करके नहीं भेजोगे, ये व्यापारी राजा हमको आपको लूट लेंगे। जिस सिद्धांत के लिए हिंदुस्तान जाना जाता था, वो सिद्धांत आज समाप्त हो जा रहा है। हम लोग व्यापार करने के लिए जिंदा है, हमको ऐसा लगता है, इसलिए इन व्यापारी राजाओं को इस देश से भगाओ, नहीं तो सारा पैसा जो है वो गुजराती 2800 नहीं है, वो सब लेके भाग रहे हैं, वो लौट के नहीं आएंगे। 8.5 लाख लोग करोड़ों रुपए लेकर के हिंदुस्तान से बाहर भाग चुके हैं। अगर हम आपने आवाज नहीं उठाई, हम आपने सड़क भले ही हमने हम रोक लेंगे, लेकिन ये हमारी आवाज नहीं रोक पाएंगे। कांग्रेस लाओ, देश बचाओ। आप बोल रहे हैं कांग्रेस लाओ देश बचाओ, कैसे बचेगा देश? ऐसे बचेगा जनता की आवाज को जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी लगातार उठाने का काम कर रही है। नौजवानों की काम, महंगाई की बात, किसानों की बात, महिलाओं की बात, संविधान बचाने की बात, कांग्रेस पार्टी सदैव जनता की आवाजों को उठाने का काम करती है। अंग्रेजों को भगाने का भी काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। 2008 से पहले 8 वर्ष हो गए जब कांग्रेस की सरकार थी, 450 के आसपास सिलेंडर था। यही स्मृति ईरानी और राजनाथ सिंह GPO पे धरना देकर विरोध प्रदर्शन और चूड़िया तोड़ा करते थे। आज कहां है स्मृति ईरानी, कहां है राजनाथ सिंह, कहां है केंद्र की सरकार के वो नेता जो 450 के सिलेंडर को 8 साल पहले चूड़िया फोड़ते थे? आज 1140 रुपए 50 पैसे में सिलेंडर हो गया है। होली का त्योहार सर पे है। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि महंगाई चाहे जितनी बढ़ जाए लेकिन वोट फिर भी हम मोदी को ही कोई नहीं कह रहा है। ये केवल कुछ मीडिया और कुछ उनके मुट्ठी भर लोग RSS के, जनता सब देख रही है। इनका मोतियाबिंद 24 में माड़ा साफ कर देगी जनता, इनका ऑपरेशन कर देगी। इनको जो दिखाई नहीं पड़ रहा जनता सब देख रही है, आने वाले 24 के चुनाव में इनका सफाया साफ करेंगे। योगी मोदी हाय 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 हाय, योगी मोदी हाय 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 हाय। तो जिस तरह आप देख रहे हैं कांग्रेस कार्यालय के बाहर हम आज मौजूद थे, यहाँ पर पूरे कार्यकर्ता जिस तरह से कांग्रेस के प्रदर्शन कर रहे थे, योगी और मोदी के जिस तरह से हाय हाय के नारे लगाए जा रहे थे, और जितने भी कार्यकर्ता हैं उनका यही कहना है, अडानी से यारी और जनता से गद्दारी। जिस तरह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सरकार का विरोध करते आ रहे थे, उसी तरह से अब कांग्रेस के कार्यकर्ता भी सरकार के विरोध में उतर आए हैं, कह रहे हैं कि अब अडानी से यारी है तो जनता से तो वो गद्दारी है ही। राजधानी लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के।